यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की कार को उनके काफिले के ही दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में स्मृति ईरानी को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि इस दौरान कई गाड़ियों के आपस में टकरा जाने की से कई लोग जो है वो घायल हुए हैं, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हुई है। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्मृति ईरानी भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के बाद वृंदावन से वापस दिल्ली लौट रही थी और तभी ये हादसा हुआ। सूत्रों के अनुसार स्मृति ईरानी की हाथ में और पैर में मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर अपने सकुशल होने की जानकारी दी। एक बाइक से तीन सवार तीन लोग जा रहे थे, एक हंडा सिटी दिल्ली के नंबर की गाड़ी है हंडा सिटी, जिसे टकरा गई और एक व्यक्ति की मौके मौत हो गई। उसके साथ पीछे दो और गाड़ियां आकर के हंडा सिटी से टकरा गई। उसके थोड़ी ही देर बाद जो है ये माननीय मंत्री जी का काफिला उधर से गुजरा, तो हमारी जो जिप्सी स्कॉर्ट चल रही थी उसको भी उस काफ़ी रोकने का प्रयास किया। रुकते रुकते वो भी गाड़ी हंडा सिटी से टकरा गई, जिसमें कि वो गाड़ी तो डैमेज हुई लेकिन काफिले में कोई नुकसान नहीं हुआ और गाड़ियों में थोड़ी बहुत टकराहट हुई है। और जो मोटरसाइकिल वाले जो घायल थे उनको अस्पताल जिला अस्पताल लाया गया है और पुलिस की जो डैमेज गाड़ी है उसको क्रेन से पहुंचा दिया गया है और बाकी से ठीक है, ट्रैफिक चल रहा है और जो हल्के फुल्के घायल भी हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। नहीं, अभी तक सूचना के अनुसार कोई चोट नहीं है और माननीय मंत्री महोदया दिल्ली प्रस्थान कर गई हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक एक व्यक्ति जो नेतमातपुर रहने वाला है रमेश नाम का, वो बाइक से था जिसकी होंडा सिटी गाड़ी से टकराया था, उसकी डेथ हुई है। और उस गाड़ी में तो उसके एक लड़की और एक लड़का था, उनके दो बच्चे वो घायल हैं जिला अस्पताल में हैं और बाकी लोगों में मामूली चोटें हैं।